एक जमाना ऐसा था जब मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ 1500 एमएच की बैटरी आती थी, यानी कि जब मैंने भी अपना पहला मोबाइल फोन खरीदा था, स्मार्टफोन था एंड्रॉइड का, उसके अंदर सिर्फ 2000 एमएच की बैटरी थी। और उस जमाने में यार 10 वॉट की चार्जिंग को हम लोग बिल्कुल ही फास्ट बोला करते थे। और तब है ना यार पावर बैंक काफी ज्यादा यूजफुल भी हुआ करते थे, यानी कि उस जमाने में आपको 5000 एमएच की बैटरी का पावर बैंक भी देखने को मिलता था, 10000 एमएच की बैटरी का पावर बैंक भी देखने को मिलता था, और लोग उन्हें लेना पसंद भी करते थे। लेकिन बैक टू 2024 कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ चुका है। सबसे पहला ट्विस्ट तो ये आ चुका है कि आज के समय में हर दूसरे फोन में 5000 एमएच की बैटरी मिलती है। 10 साल पहले तक 5000 एमएच की बैटरी का पावर बैंक आता था, और 4000 एमएच बैटरी जिस फोन में होती थी उसकी बैटरी लाइफ तो बहुत कमाल मानी जाती थी। आज के समय 5000 एमएच इतनी कॉमन हो गई है, इवन 5500 एमएच की बैटरी वाले बहुत सारे फोन्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इवन वो ऐसे फोन से जो बिल्कुल ही पतले स्लिम डिजाइन के साथ आते हैं लेकिन लंबा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वन प्लस ने 6100 एमएच की नई वन प्लस ग्लेशियर बैटरी इंट्रोड्यूस करी है, जिसका काम यहाँ पर पता है क्या है कि यहाँ पर आपके मोबाइल फोन के अंदर जो 5000 एमएच वाली बैटरी रहती है उसी फॉर्म फैक्टर में आएगी, उतनी ही साइज में आएगी, उतना ही वेट रहेगा, उतनी ही पतली रहेगी, लेकिन कैपेसिटी 5000 नहीं 6000 होगी। 100 वॉट के चार्जर से चार्ज करोगे तो 36 मिनट में चार्ज होगी। और अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा ना तो मोबाइल फोन में जो भी 5000 एमएच की बैटरी नॉर्मल है ना, ये 6000 पहुंच जाएगी, और जो 6000 वाली चीज है वो 7000 भी जाएगी। सैमसंग ने कुछ साल पहले 7000 एमएच की बैटरी वाला फोन भी निकाला था और वो फोन भी यहाँ पे चला था। इवन मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्दी 7000 एमएच वाली बैटरी के फोन भी कॉमन होंगे, और 6000 एमएच वाली बैटरी तो मोस्ट कॉमन होगी, एक दो सालों की बात है। इसके साथ ही चार्जिंग स्पीड्स में भी पिछले कुछ सालों में कमाल हुआ है। आज के समय में हालत ऐसी है कि 50 वॉट से नीचे की कोई भी चार्जिंग टेक्नोलॉजी में एंड्रॉयड में लाओ ना, उसे स्लो माना जाता है। सैमसंग की 45 वॉट को बोला जाता है फास्ट, लेकिन वो भी स्लो है, क्योंकि मार्केट में हर दूसरे फोन में 100 वॉट की चार्जिंग आ रही है। 60 वॉट तो आपको बहुत ही कॉमन है, 67-68 वॉट। यहाँ तक की बात करें तो आपके मोबाइल फोन के अंदर बोला जाता है कि ज़्यादा वोल्टेज की चार्जिंग नहीं है, तो भाई इसके फीचर्स में कमी है। ये बहुत बड़ी चीज हो रही है मार्केट के अंदर। लेकिन वही बात करें तो कुछ साल पहले कहानी अलग थी, जहां एंड्रॉइड के लिए पहले 7.5 वॉट के ऊपर की चार्जिंग की स्पीड का कोई भी लगा लो चार्जर, वो उसे फास्ट चार्जिंग में इंक्लूड करता था। यहां तक की बात करें तो क्वालकॉम की जो क्विक चार्जिंग आई थी वो 18 वॉट पे आई थी और उसे फास्ट बोला जाता था, और वन प्लस की 20 वॉट की चार्जिंग को बहुत ज्यादा अल्ट्रा फास्ट ही माना जाता था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वो सारी चीजें आज के जमाने में हो चुकी है बहुत ज्यादा स्लो। देखो सिंपल सा रीजन मैं आपको समझाता हूँ क्या है, कि एक जमाना वो था जब मोबाइल फोन की बैटरी अच्छी नहीं होती थी, चार्जर की स्पीड फास्ट नहीं होती थी, तब पावर बैंक लेने का मतलब समझ में आता था कि आप पावर बैंक ले रहे हो, साथ में ले जाके कैरी कर रहे हो। आज के समय में कहानी क्या है, बैटरी काफी बड़ी हो रही है, चार्जिंग स्पीड बहुत तेजी से इंप्रूव हुई है, और इसी वजह से पावर बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से कम हुई है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि पावर बैंक टोटली अब के समय में यूजलेस है, इमरजेंसी में हमेशा काम में आते हैं। कभी लाइट चली गई इमरजेंसी में चार्ज करना है बहुत सही चीज़ है, ट्रैवल कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हॉस्टल में रहते हो, काफ़ी जगहों पर काफ़ी यूजफुल चीज़ हो सकता है। लेकिन ये मैं बोलना चाहूँगा कि पावर बैंक अब उस स्टेट में मूव कर रहे हैं जहाँ पे अब उसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो वो यूजलेस वाली कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज के समय में मोबाइल फोन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इवन जो बैटरी बैकअप भी इंक्रीज हुआ है ना और चार्जिंग स्पीड इंक्रीज हुई है, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है लोगों के यूजर बिहेवियर पे, जो स्क्रीन टाइम था वो लोगों का इंक्रीज हो गया है, और इस वजह से यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर कंटिन्यूसली चार्जिंग और बैटरी के अंदर इनोवेशन हो रहा है। लेकिन वैसी ही चीज़ें अब हमें ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले समय में एक मोबाइल फोन के पावर बैंक में भी, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जहाँ 10000 एमएच की पावर बैंक से चीज़ें चला लेते थे। आज के समय में ज़माना है कि अगर 6000 एमएच वाली बैटरी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो अब उसे दिन में दो बार तो फुल चार्ज करोगे तो 12000 15000 20000 एमएच 30000 एमएच की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर भी जो पहले बल्कि पावर बैंक आते थे ना, जो बिल्कुल ईंट जैसे होते थे, उसकी जगह स्लिम वाले पावर बैंक्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर ये फुलफिल नहीं कर पाए तो पावर बैंक अपना जो यूज़ केस है वो यहाँ पे लूज़ कर सकता है। इसके साथ अगली चीज़ आती है फास्ट चार्जिंग की। यार मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग आई है लेकिन पावर बैंक से नहीं। वन प्लस ने हाल ही में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक निकाला, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ब्रांड के जो पावर बैंक आते हैं ना वो पहले तो स्लो चार्ज होते हैं
और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेंगे तो कोई ज़्यादा हाई स्पीड की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे। जबकि आज के समय में हालत ये है कि 10,000 रुपये का भी अगर आप फ़ोन खरीदते हो ना, उसके अंदर 5,000 mAh की बैटरी होगी, 30 वॉट पर चार्ज करेगा। लेकिन ज़्यादातर पावर बैंक 30 वॉट वाला जो आउटपुट रहता है वो यहाँ पर नहीं निकाल पाते, ये भी एक चीज़ है। और देखा तो पावर बैंक के अंदर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट, उतनी ज़्यादा नई चीज़ें अभी भी नहीं आई हैं। और अगर यही चरण कंटिन्यू रहा तो शायद यूजलेस वाली कैटेगरी में भी जा सकते हैं। इवन एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करी है कि जहाँ पहले मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको सॉकेट नहीं मिलता था, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता था, वो चीज़ बहुत तेज़ी से कम हुई है। कई जगहों पे आपको सॉकेट मिल जाता है जहाँ चार्जर लगा सकते हो, इवन कई जगहों पे आपको यूएसबी वाला सॉकेट भी मिलता है जहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो। वन प्लस ने कुछ एयरपोर्ट्स में अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्ज किया जा सकता है, तो यार ये भी एक चीज़ है। इसके साथ ही ओवरऑल बात करें तो पावर बैंक हाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, और मेरे को लगता है कि जब आपको मल्टीपल डिवाइसेस को यहाँ पे अगर आपको चार्ज करना है तो चीज़ काफ़ी अच्छी है जब बहुत सारे फ़ोन्स हो। लेकिन अब जब धीरे धीरे ज़माना टाइप सी के ऊपर मूव ऑन कर रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि टाइप सी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर सारे के सारे फास्ट चार्ज अगर जल्दी से होने लगे तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं बात लैपटॉप्स की करूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग तो ठीक है लेकिन अगर लैपटॉप्स के लिए भी अगर पावर बैंक अगर डिज़ाइन हो तो काफ़ी सही चीज़ है। हालांकि आते हैं टाइप सी वाले पावर बैंक्स और लैपटॉप को भी चार्ज करते हैं लेकिन आमतौर पर स्लोली चार्ज करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ के अंदर भी एक इनोवेशन और एक डेवलपमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। देखा जाए तो चीज़ काफ़ी अच्छी थी, यूज़फुल थी, लेकिन जहाँ पहले ज़्यादा यूज़फुल हुआ करती थी अब उसकी जो यूज़फुलनेस है वो भी काफ़ी कम होती जा रही है। कुछ लोगों को अभी भी काम में देती है, लेकिन फिर भी आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों ने आखिरी बार पावर बैंक कब यूज़ किया था, ये बात आप ज़रूर बताइए। क्योंकि पावर बैंक का जो यूज़ केस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। इवन मार्केट के अंदर भी जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपने खुद के पावर बैंक निकालती थी, ज़्यादातर ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं और जो एक्सेसरीज़ वाले ब्रांड हैं सिर्फ वही इस चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि ये चीज़ कब तक कंटिन्यू रहती है, कब तक रहती है मार्केट के अंदर। बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा कि पावर बैंक टोटली यूजलेस हो गए या फिर पावर बैंक के अंदर कोई इनोवेशन आके थोड़े यूजफुलनेस भी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि जो इनोवेटिव वाले पावर बैंक होते हैं ये भी मैंने देखे हैं, जिनके अंदर काफ़ी सारी फीचर्स और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कीमतें ज़्यादा रहती है। कुछ केसेस में तो ये पावर बैंक आपके मोबाइल फोन के बराबर आ जाते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं समझ मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।